गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड रिविजन वर्कशीट ऑफ योर क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। दिस रिविजन वर्कशीट कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ questions. So let's start solving this worksheet. You have to choose the correct answer. So question 1 is, a line segment has dash and points. लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? तो मैंने आपको इससे पहले वाली जो रिवीजन वर्कशीट है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, और आपके इंट्रोडक्शन टू लाइन वीडियो में भी मैंने लाइंस और एंग के बारे में अच्छी तरह से बताया है। सो लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? देयर आर टू एंड पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट। अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि ये बोथ द डायरेक्शन एक्सटेंड होता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, और इसकी लेंथ इंडेफिनिट होती है। सो अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। तो रे का वन एंड पॉइंट होता है और ये एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होती, चाहे ये राइट साइड में एक्सटेंड हो चाहे लेफ्ट साइड में हो। सो अरे हैज़ वन एंड पॉइंट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है वह कहलाता है। योर ऑप्शंस आर एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। तो जिस एंगल का मेजरमेंट 90 होता है वह होता है राइट एंगल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इज कॉल्ड डैश। 45 डिग्री का एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो 45 डिग्री का एंगल होता है एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है वह एक्यूट, कंप्लीट, ऑब्ट्यूज या स्ट्रेट। कौन सा एंगल होता है? इट इज स्ट्रेट एंगल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 135 डिग्री, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 135 डिग्री होता है वह कौन सा एंगल होता है? एक्यूट, कंप्लीट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट। सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज डैश एंगल। एक्यूट, कंप्लीट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होता है वह कौन सा एंगल होता है? एक्यूट, कंप्लीट, ऑब्ट्यूज या स्ट्रेट। तो 0 और 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है एक्यूट एंगल। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 270 डिग्री इज कॉल्ड डैश एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 270 डिग्री हो वह कौन सा एंगल कहलाता है? योर ऑप्शंस आर ऑब्ट्यूज, कंप्लीट, रिफ्लेक्स एंड स्ट्रेट। सो द करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से बड़े और 300 डिग्री से छोटे एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 360 डिग्री इज कॉल्ड डैश एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो वह कहलाता है ऑब्ट्यूज, कंप्लीट, रिफ्लेक्स या स्ट्रेट एंगल। तो 360 डिग्री का एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। सो स्टूडेंट्स, कल हम मिलेंगे आपके चैप्टर 3 के रिवीजन वर्कशीट 1 में। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।